अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका इस्तकबाल करती हूँ अपने चैनल मुख्तलिफ जायके में। नाजरीन, आज हम बना रहे हैं शाजिया काशिफ खान की फरमाइश पर चिकन मैकरोनी पास्ता। चिकन मैकरोनी पास्ता बनाने के लिए हमने 3 कप मैकरोनी को बॉईल किया है नमक के पानी में। ये 3 से 4 मिनट में अच्छे से बॉईल हो गई। बॉईल होने के बाद रनिंग वाटर पे डाल के जब तक आप प्रिपरेशन करें तब तक इसको अगर आप पानी में डला ही छोड़ देंगे और 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे या 1 टीस्पून, तो ये पास्ता जो है, ये मैकरोनी, ये अपने साइज़ से काफ़ी बड़ी हो जाएगी। आप देखें, ये बहुत छोटे साइज़ की होती है लेकिन काफ़ी बड़ी हो जाती है ये फूलने के बाद, और ऑयली रहने की वजह से ये ग्रीसी रहती है। जब तक आप तैयारी करते हैं ये आपस में चिपकती नहीं है। तो ये 3 कप हमने बॉयल किया है, काफ़ी सारा हो गया है, तकरीबन ये 4 लोगों को सफिशेंट हो सकता है। 1/2 कप हमने चिकन लिया है बॉईल किया हुआ, जो हमारे चैनल पे अपलोड है, फिर भी हम आपको बता देते हैं। इसमें काली मिर्च पाउडर, हरी मिर्च, नमक, अमूल बटर, ये डाल के हमने इसको बॉईल किया है, बॉईल करके श्रेड किया है। 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 1 टेबलस्पून हमने लिया है इसमें ग्रीन चिली सॉस, 1.5 टेबलस्पून अमूल बटर लिया है, 1 टेबलस्पून ऑयल हमने पैन में डाल के रखा हुआ है, 1.5 टेबलस्पून हमने ये मिंट मायोनीज ली है। आप प्लेन मायोनीज भी यूज़ कर सकते हैं, इसका फ्लेवर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये विबा की है, काफ़ी हद तक फैट फ्री रहती है। और 1.5 टेबलस्पून ही हमने टमाटो केचप लिया है, 1/2 चम्मच मिक्स हर्ब लिया है, आप ऑरिगेनो डाल सकते हैं इसकी जगह, 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स लेंगे, 1/2 चम्मच ही हमने लिया है काली मिर्च पाउडर, और 1/2 चम्मच हमने लिया है नमक। नमक इसलिए कम लिया है कि पास्ता में भी नमक है, चिकन में भी नमक है, और सॉसेज में, बटर में थोड़ा थोड़ा नमक होता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि रेसिपी हमारी बिगड़ जाए, तो इसलिए हाथ रोक के मिर्च और नमक हमने डाली है। आप चाहें तो थोड़ा स्पाइसी कर सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं इसको बनाना। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसानी से बन जाता है। चिकन आप बॉईल करके रख लें, पास्ता 3-4 मिनट में बॉईल हो जाता है। चिकन का तो हमने आपको बताया है किस तरह से स्टोर करके रखें, बाकी सॉसेस हैं, ये मसाले हैं, बहुत इजी बनता है। अब हम शुरू करते हैं ये बनाना। एक पैन में हमने 2 टीस्पून ऑयल डाला है, आपको 1 टेबलस्पून बताया था लेकिन हमने इसमें थोड़ा ज़्यादा कर दिया है, 2 टीस्पून डाल दिया है ऑयल, और साथ साथ अब हम डाल देंगे इसमें बटर। फ्लेम कर लेंगे एकदम स्लो, बटर हमारा थोड़ा सा मेल्ट हो जाए, उसके बाद इसमें डाल देना है ये 1/2 कप बॉइल्ड चिकन। चिकन के साथ साथ हम डाल देंगे सारे मसाले ताकि ये अच्छे से चिकन में मिक्स हो जाए। काफ़ी सारे मसाले तो इसमें मिक्स हैं, फ्लेम कर लेंगे थोड़ी सी फास्ट। बस अब हम इसमें सारी सॉसेस डालते जाएंगे। ये हमने डाल दी मेयोनीज, रेड चिली सॉस, अगर आप कोई एक सॉस बस से बनाना चाहें तो एक सॉस से भी आप बना सकते हैं, चाहे चिली सॉस से बना लें ग्रीन चिली से, चाहे रेड से बना लें। ये हो गया टमाटो केचप, केचप की क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं जैसा आपको रिक्वायरमेंट लगे। ये हो गई हमारा सब मिक्स, इसको हमने ज़्यादा पकाना नहीं है, बस अब इसमें कर लेंगे हम अपना ये पास्ता मिक्स। देखें कितनी फटाफट हमारा ये पास्ता बनके रेडी हो गया। फ्लेम एकदम स्लो कर लें पास्ते को, इसमें ग्रेवी में आप अच्छे से मिक्स कर लें, रेड कलर का मिंट फ्लेवर का ये बहुत अच्छा लगता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान है, रमज़ान में तो आप ट्राई करेंगे ही इंशाल्लाह, लेकिन आपने वैसे नॉर्मल दिनों में भी ट्राई करना है। बहुत लजीज, बहुत ही बेहतरीन इसमें खुशबू आ रही है, बहुत ज़्यादा इसमें ग्रेवी भी नहीं होती है, एकदम लाइट ग्रेवी का ये पास्ता होता है। देखें आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया बहुत संभाल के। अब ये इसको थोड़ा सा हमने करना है गर्म, तो इसको गर्म करने के लिए हमने थोड़ी सी देर, 2-3 मिनट के लिए इसको कवर करके स्लो पे छोड़ देंगे ताकि जो हीट है उससे पूरा पास्ता हमारा गर्म हो जाए, उसके बाद हम इसको कर लेंगे डिश आउट। ये नाज़रीन, ये चिकन मैकरोनी पास्ता रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट रेसिपी के साथ सीमा शेख आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगी। अल्लाह हाफिज़।